शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ, एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के कार्य हो रहे हैं। इसमें तीव्रता लाई जा सके, किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अपने योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो है कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, हाँ सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट चलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई मंद है, कोई चलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो चलेगी कैसे? लेकिन आज बिजली मिलती है। आज आप देखोगे कि स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की सफेद बुनियाद कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जल्दी दिखाई देगी। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की महान एक महान सरकार। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, शहरी जीवन में जो व्यापक परिवर्तन आने का कार्य हुआ है, इस शहरी जीवन के इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस विश्वास के साथ जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,65,000 से अधिक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड अब तक यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम अब तक यहाँ पर संपन्न हो चुका है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी 1,09,000 से भी घरों को जल संयोजन के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए अब तक 3,800 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के अध्यापकों को यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। ढेर सारे अन्य योजनाओं को लेकर के आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं। और मैं शाहजहांपुर नगर निगम और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कहूंगा, विकास और सुरक्षा के जिस मॉडल को लेकर के गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, आप सबका आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हो। अभी इसके उस प्रकार की एक आवाज को आगे उठाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को 3 गुना करने का कार्य करेगा। उसमें जनता की सुविधाओं को किसी प्रकार से लिप्त करने का कार्य करके इस विश्वास के साथ शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। और अंत में आपके लिए